नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो करने जा रहे हैं ये है ऊर्जा के स्रोत के ऊपर और ये इसका दूसरा वीडियो होने वाला है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना था कि पारंपरिक स्रोत जो हैं वो ऊर्जा के वो कौन से हैं, जैसे कि हमने जीवाश्म ईंधन पढ़ा था, उसके बाद जल विद्युत संयंत्र पढ़ा था और बायोगैस के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैर परंपरागत स्रोत की, यानी कि वो स्रोत जो हमारे पास बहुत पहले से नहीं थे, जिनको हम करोड़ों वर्ष से इस्तेमाल करते हुए नहीं आ रहे, वो स्रोत जिनको हमने अभी अभी इस्तेमाल करना स्टार्ट किया, जिनके बारे में हमें अभी पता चला है। चलिए एक बार देख लेते हैं कि इनके उदाहरण कौन कौन से हैं। तो अगर हम इनकी बात करें तो गैर परंपरागत स्रोत जो है उनमें एक तो आ जाएगा समुद्रों से ऊर्जा, क्योंकि हमारे पास पहले कोई भी ऐसे मेथड नहीं थे जिससे हम समुद्रों से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। अब हमारे पास काफ़ी सारे मेथड हैं जिनसे हम समुद्र से भी बिजली बना सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक तो आ जाएगा सौर पैनल, जिसके अंदर हम सौर सेलों का इस्तेमाल करके विद्युत बनाते हैं, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। बेसिकली हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं, जैसे कि नाभिकीय ऊर्जा भी हो गया, तो इन सबका इस्तेमाल करके हम गैर परंपरागत रूप से यानी कि नए तरीकों से ऊर्जा बना सकते हैं। अब इन सब के बारे में पढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहता है कि आखिर हमने ये स्रोत ढूंढे ही क्यों? हमारे पास जो करोड़ों सालों से जो ऊर्जा के तरीके हैं उनसे हमें ऊर्जा तो मिल रही थी, तो आखिर ज़रूरत क्या पड़ी इन नए स्रोतों को ढूंढने की? तो इसके लिए आपको एक बार डाटा देखना पड़ेगा। चलिए एक बार डाटा देख लेते हैं कि आखिर क्यों हमें गैर परंपरागत स्रोत ढूंढने पड़े। अब यहाँ पे जो आप ऊपर का डाटा देख रहे हैं ये है वर्ल्ड का, ज़्यादा पुराना नहीं है, और जो नीचे वाला देख रहे हैं ये तो आपकी बुक में भी दिया हुआ है और ये है इंडिया में ऊर्जा का जो इस्तेमाल होता है उसके ऊपर। तो चलिए एक बार ऊपर वाला डाटा देखते हैं। ऊपर वाले में जो रेड मार्क में आपको दिख रहा है वो है नेचुरल गैस इस्तेमाल होने वाला, ब्लू में आपको दिख रहा है ऑयल और ग्रीन में आपको दिख रहा है कोल। बाकियों को भी साइड में रखें, आप इन तीनों को ही जोड़ें तो ये लगभग 75% से ऊपर बनते हैं। और आप एक बात ध्यान देंगे कि ये तीनों के तीनों ही क्या है, जीवाश्म ईंधन है, और आप ये जानते हैं कि जीवाश्म ईंधन खत्म होने वाला है। तो अगर हम वर्ल्ड का टोटल देखें तो क्या होने वाला है, लगभग कुछ टाइम बाद जब जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाएगा तो 75% से भी ज़्यादा ऊर्जा जिस तरीके से हमें मिलती थी वो खत्म हो जाएगी। तो बहुत सारी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है और इसके लिए हमें काफ़ी सारे नए तरीके ढूंढने हैं। चलिए अब आते हैं इंडिया पे। इंडिया पे आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो इस्तेमाल होता है वो है कोयला। आप ऑरेंज कलर में देख सकते हैं लगभग 50% से भी ज़्यादा हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, और जल का इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा नदियाँ हैं, और ये जो प्रॉफिट है हमारे पास ज़्यादा नदी होने का ये हर कंट्री के पास नहीं है, और इस वजह से वो इतना ज़्यादा जल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर भी अगर हम इंडिया की भी बात करें तो आप देखेंगे कि जीवाश्म ईंधन यानी कि कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तीनों को हम जोड़ें तो ये लगभग 75% बनाते हैं। तो अगर ये ख़त्म हो जाएं, जो कि जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, तो क्या होगा, इंडिया से भी 75% के आसपास जो ऊर्जा हमें मिलती थी वो सीधा ख़त्म होगी। यानी कि हमें नए तरीके ढूंढने हैं उन 75% ऊर्जा को वापस लाने के लिए, वरना क्या होगा, ओहो बैटरी ख़त्म और हमारे पास ऊर्जा बचेगी ही नहीं। तो ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, और इसी वजह से जो नए स्रोत हैं उस पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। न्यूक्लियर एनर्जी हो गया या फिर सौर एनर्जी हो गया, हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे ऊर्जा के स्रोत ढूंढ सकें जिनको ख़त्म होने की टेंशन ही ना रहे, वो बार बार बनाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अनलिमिटेड अमाउंट में हमारे पास मौजूद हो। तो चलिए समझते हैं कि इनमें से कितने स्रोत हमने ढूंढे और वो कितने ज़्यादा अच्छे हैं, कितने ज़्यादा ख़राब हैं। शुरुआत करते हैं हम पवन ऊर्जा से। पवन का तो आपको पता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली, किसी जगह पे दाब कम होता है, किसी जगह पे दाब बहुत ज़्यादा होता है, तो एक जगह से दूसरी जगह पे पवन चलना शुरू हो जाती है। तो अब इसका इस्तेमाल हमने किया पवन चक्की के रूप में। पवन चक्की का इस्तेमाल हम पहले भी करते थे परंतु बिजली बनाने के लिए नहीं किया जाता था। रिसेंटली हमने उसका इस्तेमाल करना शुरू किया है बिजली बनाने के लिए। तो पवन चक्की में होता क्या, हवा की वजह से जो उसकी पंखुड़ियाँ होती हैं वो गोल गोल घूमती हैं। अब आप जानते हैं कि कहीं भी कोई चीज़ अगर गोल गोल घूम रही है तो वहाँ पे जाइए और जनरेटर को जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, बिजली बनना शुरू हो जाएगी। तो यही हम पवन चक्की में करते हैं। वहाँ पे क्या होता है, पवन चक्की में हवा की वजह से उसकी पंखुड़ी घूमती है जो जुड़ा हुआ होता है जनरेटर से, और हमें बिजली मिलना शुरू हो जाती है। अब इसके साथ कुछ दिक्कतें हैं, चलिए वो समझते हैं क्या है। पहली दिक्कत तो ये है कि पवन की चाल लगभग 15 किलोमीटर पर आवर तो मिनिमम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर इससे कम हवा चल रही है तो ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो मतलब कि यहाँ पे सीधा ये बात तो खत्म ही हो गई, जिस एरिया में 15 किलोमीटर से ऊपर हवा नहीं चलती वहाँ पे ये लगाया ही नहीं जा सकता। उसके अलावा कुछ और दिक्कतें भी हैं।
जैसे कि पवन चक्की से क्या है, एक पवन चक्की से बहुत कम ऊर्जा मिलती है, तो बहुत ज्यादा ऊर्जा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारी पवन चक्की लगानी पड़ेगी। बहुत सारी पवन चक्की लगाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें उसके लिए जगह भी बहुत बड़ा चाहिए होगा। तो बहुत बड़े एरिया में अगर हम सिर्फ पवन चक्की लगा देंगे तो फिर लोग कहाँ रहेंगे, वो भी तो बहुत ज्यादा है। तो ये दिक्कत है कि पवन चक्की के लिए एक तो हमें बहुत बड़ा एरिया चाहिए और दूसरा ऐसा एरिया चाहिए जहाँ पे हमेशा ही 15 किलोमीटर से ऊपर की गति में हवा चलती है। तो ये कुछ दिक्कतें हैं पवन चक्की के साथ। चलिए बात करते हैं दूसरा टाइप जो हमने ढूंढा है, जिसका नाम है सौर ऊर्जा। अब आप जानते हैं कि सन अर्थ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितनी भी ऊर्जा के स्रोत हैं सबको कहीं ना कहीं सन से ही जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम खाना भी खाते हैं तो खाना हम क्या खाते हैं, या तो पेड़ पौधे खाते हैं, जानवर खाते हैं, और पेड़ पौधों को ऊर्जा कौन देता है, सूर्य। तो हमारे धरती पे जो परम स्रोत है ऊर्जा का वो है सौर ऊर्जा। तो सबसे अच्छा तरीका तो यही होगा कि हम डायरेक्टली कोशिश करें सन की मदद से ऊर्जा प्राप्त करने की। तो इसका जो एक तरीका है वो है कि हम जानते हैं जो सफ़ेद पृष्ठ होता है उस पर धूप कम पड़ती है, इसलिए कहा जाता है गर्मी में सफ़ेद कपड़े पहनने को, और काला पृष्ठ जो होता है उस पर अधिक ऊष्मा पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, काले रंग का एक जगह बनाया जिसके अंदर बहुत सारे शीशे लगे होते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म होगा, क्योंकि एक तो काला रंग है तो सूरज की रोशनी अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा क्योंकि उसके अंदर शीशे लगे हुए हैं तो हर जगह से रोशनी को इसके ऊपर डाला जा सकता है। अब ये करने से हमें जो चीज़ मिली उसे कहा जाता है सौर कुकर। इसकी मदद से हम खाना बना सकते हैं, और साथ में ही हम इसकी मदद से जो पानी होता है उसको गर्म कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपको गर्म पानी से नहाना है तो उसका प्रबंध तो किया जा सकता है, परंतु ये जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि इससे हमें बिजली नहीं मिल रही किसी भी तरीके से। परंतु फिर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है अगर आपको फ्री की ऊर्जा चाहिए तो। दूसरा तरीका है जो कि है सौर पैनल का। अब ये थोड़ा कमाल का है, क्योंकि साथ में जो आप साइंटिस्ट देख रहे हैं इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने डैड के लैब में जाकर सौर पैनल को बनाया था। तो चलिए समझते हैं सौर पैनल करता क्या है। ये सौर पैनल जो होता है ये सौर सेल से बना हुआ होता है, और ये धूप जो होता है यानी कि सौर ऊर्जा उसको डायरेक्टली विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकता है। आपने इसे यूजुअली कैलकुलेटर्स में देखा होगा, कई सारे खिलौने जो होते हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है, और कई सारे लोग घरों में लाइट वगैरह के लिए भी इसे अपने छत पर लगा के रखते हैं। तो चलिए समझते हैं आखिर ये सौर सेल होता क्या है। दरअसल सौर सेल जो होता है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट तो ये है कि इसमें कोई भी गतिमान ऊर्जा नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर कुछ भी चीज चल नहीं रही होती, और जब भी ऐसी कोई चीज होती है जिसमें कुछ हिलता ना हो तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। दूसरा क्या है कि इसे दूर के स्थानों में स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि इसको किसी और चीज की मदद नहीं चाहिए। आपने इसको कहीं पर लगा दिया तो आपको वहीं पर ऊर्जा मिल जाएगी। तो मतलब मान लीजिए कोई एक बंदा है जो अगर पहाड़ पे कोने में रहता है जहां पे कोई चीज नहीं है, दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, तो अपने घर के ऊपर भी चाहे तो सौर सेल लगा सकता है और वहां पे उसको ऊर्जा मिल जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या है कि इसका रखरखाव सस्ता है, मतलब इसमें ज्यादा चीजें मूव करने वाली नहीं है और ये खराब भी नहीं होता, तो इसको मेंटेन करने में दिक्कत नहीं आती। चौथा पॉइंट क्या है कि इसमें कुछ फोकसिंग युक्ति नहीं होती, जैसे कि इससे पहले जो हमने सोलर कुकर पढ़ा था उसके अंदर हम शीशे का इस्तेमाल कर रहे थे सौर ऊर्जा को एक जगह पे फोकस करने के लिए, तो इसमें उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। अब सौर ऊर्जा में होगा क्या, सौर सेल से हम विद्युत ऊर्जा लेंगे, उसको एक बैटरी में स्टोर करेंगे, और फिर इस बैटरी में जो ऊर्जा होगी उसको बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है सन 24 घंटे तो रहता नहीं है, तो रात के टाइम पे हम इस मेथड का इस्तेमाल करके विद्युत नहीं बना सकते। तो इसीलिए जितनी भी सौर पैनल्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, बैटरी से कनेक्ट किया जाता है, और सारी की सारी ऊर्जा बैटरी में स्टोर होती है ताकि इसको बाद में इस्तेमाल किया जा सके, इसे हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते। अब चलिए इसकी बात करते हैं उपयोग की। 3 से 4 उपयोग आप इसके याद रखिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन आता है इसके ऊपर तो आप उन्हें मेंशन कर सकें। तो इसका पहला उपयोग क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक रूप में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा क्या है, मानव निर्मित उपग्रह जो होते हैं। जाहिर सी बात है आपने आसमान में एक उपग्रह भेज दिया तो जब उसकी बैटरी खत्म हो जाएगी तो आप चार्ज करने तो जा नहीं सकते वहां पे, तो वहां पे हम इस्तेमाल करते हैं सौर ऊर्जा का ताकि वो खुद को खुद ही चार्ज कर लें। इनका तीसरा उपयोग हो जाएगा अंतरिक्ष अनावेशक में। अब ये और उपग्रह ये थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उपग्रह जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के आसपास गोल गोल घूमता है, जैसे कि अगर अर्थ के आसपास कोई चीज गोल गोल घूम रही है तो वो अर्थ का उपग्रह कहलाएगी। परंतु जो अनावेशक होते हैं वो किसी ग्रह के आसपास नहीं घूमते, वो ग्रह जितने भी हैं उन सबको देखते हुए जाते हैं और अंतरिक्ष में दूर दूर तक खोज करते हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रह पर अटके नहीं रहते। इसके अलावा हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं
खिलौनों में रेडियो तथा बेतार संचार तंत्र जो होते हैं उनके अंदर इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके अलावा टीवी रिले केंद्रों में इनका इस्तेमाल बहुत होता है। उसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं वहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है, खिलौनों में हम इनका इस्तेमाल करते हैं, और अभी हमने एक एग्जाम्पल भी देखा था जहाँ पर इनका इस्तेमाल कैलकुलेटर्स में होता है। उसके अलावा जितनी भी जगह पे आपको वो काले रंग की स्ट्रिप जो होती है वो दिख जाती है, वहाँ पे आप उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं कि सौर सेल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जाना। इस वीडियो में हमने बात करी है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की। दरअसल अगली वीडियो जो आने वाली है उसमें हम बचे हुए जो गैर परंपरागत स्रोत हैं उनकी बात करने वाले हैं, और उसके बाद ये अध्याय खत्म हो जाएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।